इस नाउम्मीदी भरी दुनिया में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? होप सो सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो यार, जैसे कि सबको पता है, जटप्रदीप पाजी नेपाल में हैं एंड उनका एक्सीडेंट हुआ था H2 बाइक पे। और जिनको नहीं पता यार, मैंने वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना मेरी वीडियो। उनका एक्सीडेंट हुआ था यार, उनकी बाइक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी एंड मेजर इंसिडेंट एक्सीडेंट ही हो गया था। तो उनकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी उस टाइम भी यार, बहुत ज़्यादा शौक लगा था मुझे भी एंड मेरा इंस्पिरेशन है तो मूड ऑफ भी हो गया था। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 9 डेज अप्रोक्स हो गए थे, उनकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। वैसे तो डाल रहे थे लेकिन जो उनके साथ के जीजू वगैरह और हर्ष बाबा वगैरह, लेकिन अभी तक कोई नहीं आई। तो आज जाके एक न्यूज़ मिली है, तो मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। अरे पहले टाइम देखो, टाइम 2:45 हो चुका है रात के एंड मैं अभी अब बना रहा हूँ। मैं मैरिज पे गया हुआ था तो वहाँ से जैसे ही आया तो मैं तभी शूट कर रहा हूँ। जब मैं मैरिज पे था तो यार जटप्रदीप पाजी के और हर्ष पापा वगैरह सबकी नोटिफिकेशन आई, तो उन्होंने रील पोस्ट करी है जटप्रदीप पाजी ने। तो उसको देखने के बाद यार बहुत ज़्यादा यार अच्छा लगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिली कि जटप्रदीप पाजी रिकवर कर रहे हैं बहुत जल्दी। लेकिन यार उनकी राइट लेग बहुत ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट हुई है एंड एक बार वो मैं रील भी डाल दूंगा। और पहले एक बार वो रील देखो एंड उन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, वो भी पढ़ना। तो बस वहीं पे था तो मैंने कहा चलो एक बार आके ये वाली वीडियो बना देता हूँ। और मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ, पहले आप वो रील देख लो, उसके बाद मैं अपना बताता हूँ। हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस नाउम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लौ जिंदा रखेंगे, दिखाएंगे उस दुनिया को कि देख हम जिद्दी लोग फिर से आ गए। देख ए दुनिया, हम जिद्दी लोग फिर से जमाने में छा गए। हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो आप लोगों ने रील देख ली एंड लास्ट में उन्होंने लिखा भी हुआ था कि आप लोग की प्रेयर से ही, मतलब जो हम लोगों ने प्रेयर वगैरह करी थी पाजी के लिए, उसी से ही वो ठीक हुए हैं। एंड यार मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार वो मेरे आइडल हैं, ये तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। उन्हीं को देख के मैंने स्टार्टिंग करी थी वीडियो एंड वो बहुत जल्दी, साफ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि वो बहुत जल्दी एक वीडियो के साथ आएंगे। एंड तब तक और किसी वीडियो पर विश्वास ना करना कि यार लोग बहुत गलत गलत बना रहे हैं। मैंने खुद यूट्यूब पर देखा यार कितना ज़्यादा गिर चुके हैं लोग, उनके फ़ोटो के ऊपर माला तक डाल दी थी यार लोगों ने। तो ठीक है यार, वो ठीक है एंड बहुत ज़्यादा खुशी मिली उसको देख के एंड बस। और मैं जो अपना इंसिडेंट बता रहा था वो वाली भी देखो यार एक बारी। एंड जो इंसिडेंट यार हुआ हमारे साथ कि मैं मैरिज से आ रहा था तो ड्राइव मैं ही कर रहा था, मेरे साथ चाचू चाची और भाई था। तो मेरे साथ वाली गाड़ी वो भी मैरिज से ही निकली थी, I10 थी। एंड जैसे ही मैं रेड लाइट पे क्रॉस किया तो इस साइड मैं राइट में था एंड वो लेफ्ट में थी, पीछे से टाटा SI उसने ड्रिंक कर रखी थी एंड उसने सीधा I10 में जाके मारी और I10 को पीछे से भी क्रैश होगी थोड़ी और आगे से भी। उसमें पूरी फैमिली थी उनकी, दादा दादी वगैरह सब थे। एंड जो आगे थी किया थी आई गेस, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी गाड़ी थी वो, तो वो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बीच वाली I10 थी जिसमें पूरी फैमिली बैठी थी उनको हुआ, लेकिन किसी को कोई चोट वगैरह नहीं लगी, वो बाबा जी की कृपा थी एंड सब सेफ हैं। वो देख लो एक बार वो क्लिप, फिर उसके बाद मैं एक बार मिलता हूँ। वो भी क्लिप देखो, मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है, वो देखो आप। यार आप लोगों ने क्लिप देख ली एंड जो आगे वाली गाड़ी थी उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जो बीच में I10 जो फंस गई थी वो भी हमारे साथ ही निकली थी मैरिज में, बिल्कुल मेरे साथ ही, और हम दोनों साथ ही थे गाड़ी वाले, उसमें पूरी फैमिली थी, उसको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो गया। और ये जो इंसिडेंट है ये सारा NH9 का है, जब हम गए थे गाज़ियाबाद एंड वहाँ से जो पीछे टाटा एस थी उसने मारी, उसने पूरी बंदे ने ड्रिंक कर रखी थी यार, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो यार सब सेफ है एंड उसमें पूरी फैमिली थी, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी, बच्चे वगैरह सारी थी उनके, मम्मी पापा वगैरह, तो सब सेफ हैं एंड ठीक है। बाबा जी का यही शुक्र है बार बार। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से यार, सेफ चलाओ, इस कुछ नहीं पता यार कौन कहाँ से टक्कर मार दे, तो अपनी साइड में लेके चलो गाड़ी, हम लोग भी आज बच गए तो सारी मतलब सेफ हैं। तो ठीक है यार, अब मैं सोऊंगा एंड ये वीडियो मैंने बना दी थी क्योंकि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मैंने वो भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। जो जटप्रदीप पाजी की गुड न्यूज़ मिली वो भी मैंने शेयर कर दी, क्योंकि यार यूट्यूब भी अब मेरे पास प्लेटफॉर्म है जो मैं अपनी बातें भी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं यार बहुत जल्दी, अब एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगा। तो ठीक है यार, ओके बाय बाय।